चुनावी बिगुल बज चुका है और आचार संहिता भी लग चुकी है। इसी के साथ बीजेपी ने पहली लिस्ट अपनी जारी की है 41 नामों की, जिसमें गंगानगर से जयदीप बिहानी, भादरा से संजीव बेनीवाल, डूंगरपुर से ताराचंद सारस्वत, सुजानगढ़ से श्रीमती संतोष मेघवाल, मंडावा से नरेंद्र कुमार जो कि सांसद है अपने, नवलगढ़ से विक्रम सिंह जाखल, उदयपुर वाटी से करण चौधरी जी, फतेहपुर से श्री श्रवण चौधरी, लक्ष्मणगढ़ से सुभाष मैरिया, दादा रामगढ़ से श्री गजानंद कुमावत, कोटपुतली से हंसराज पटेल गुजर जो गुजरों वोटरों के, दुदू से डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, झोटवाड़ा से राजवर्धन सिंह राठौड़, विद्याधर नगर से दिया कुमारी, बस्सी से चंद्रमोहन मीणा, तिजारा से श्री बाबा बालकनाथ जो सांसद है उनको तिजारा से टिकट मिली है, अलवर ग्रामीण से जयराम जाटव, नगर से श्री जवाहर सिंह बैडम, वैर से श्री बहादुर सिंह कोहली, हिंडोन से श्रीमती राजकुमार जाटव, सपोटरा से हंसराज मीणा, बांदीकुई से भागचंद डाकरा, लालसोट से राम विलास मीणा, बामनवाड़ से श्री राजेंद्र मीणा, देवली से विजय सिंह बैसला, किशनगढ़ से भागीरथ चौधरी, बायतू से बालाराम नूड, सांचौर से श्री देवजी पटेल जो सांसद हैं, खेरवाड़ा से श्री नानाराव आरी, डूंगरपुर से बंसीलाल कटारा, चौरासी से श्री सुशील कटारा, बांगीदौर से श्रीमती कृष्ण कटारा, कुशलगढ़ से श्री बाबाजी अडामोर, मांडल से श्री उदयलाल भंडारा, सहाड़ा से श्री दादूलाल जी। बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है जिसमें से बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा, राजवर्धन सिंह राठौर, भागीरथ चौधरी, देवजी पटेल जैसे दिग्गज लोगों के नाम है। तो आपको क्या लगता है कि इनमें से हो सकता है कि इनमें से सीएम चेहरा कौन हो सकता है? देखो बाकी तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, पर मेरे को लगता है बाबा बालकनाथ होने की उम्मीद है। क्या रीजन है कि बाबा बालकनाथ भ्रष्टाचार को लेकर, महिलाओं को लेकर जो आवाज उठाते हैं, मतलब और महिला पर जो रोज अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर भी उन्होंने कई बार कहा है कि मैंने सरकार बीजेपी की आएगी और मैं उनको जो भ्रष्टाचारी हैं मिट्टी में मिला देंगे। तो इस लोगों में, युवा पीढ़ी में और लोगों में इस तरीके का मतलब है कि यार ये बाबा बालकनाथ ही राजस्थान के लिए सही होंगे जो आने वाले कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। क्या वो इनडायरेक्ट इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय का मुख्यमंत्री मैं? नहीं, इशारा तो नहीं है, पर उनकी सोच ये है कि जो आदमी की जैसे सोच होती है वैसे ही अगला बोलता है। मेरे तो कहने का मतलब जिस तरीके से जो बड़े बड़े अधिकारी आईएएस लोग भी है भ्रष्टाचार में लिप्त है इस तरीके से सरकार में, और मेरे को लग रहा है कि बाबा बालकनाथ उसके लिए उचित है मुख्यमंत्री। हाँ, जो आचार संहिता लगी है उसके क्या मायने है, क्या होती है आचार संहिता? जी, जो आचार संहिता जो चुनाव आयोग ने जो घोषणा की है कि जिस गाइडलाइन जारी की है उसके आधार से हमारे सभी जो जनप्रतिनिधि हैं उनको आचार संहिता का पालन करना चाहिए। जो गाइडलाइन जो दी गई है उसका श्रद्धापूर्ण तरीके से पालन करना चाहिए। हमारे जो बैनर झंडी पोस्ट जब तक आपको अनुमति नहीं मिलती है चुनाव आयोग द्वारा, जब तक आप गाड़ियों के झंडी बैनर पोस्टर वगैरह नहीं लगाए, पहले अनुमति लें उसके बाद में आप फील्ड में डोल सकते। और रही बात आज जो हमारे 41 नामों की जो घोषणा हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने जो 41 नामों की घोषणा की है बहुत सोच और बहुत सूझबूझ से जो घोषणा की है, इन सभी प्रत्याशियों को मैं मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि वो आए और हमारे कमल का फूल लेके आए विधानसभा के अंदर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और मैडम वसुंधरा जी के नेतृत्व में जिन्होंने काम किया और आज भारतीय जनता पार्टी जो मैडम वसुंधरा जी के नेतृत्व में है, हम चाहते हैं कि मैडम वसुंधरा जी एक बार राजस्थान की फिर से मुख्यमंत्री बने और राजस्थान को फिर से हरा भरा। भारतीय जनता पार्टी ने पहले लिस्ट जारी की है, आपको क्या लगता है कि जो जिनके नाम कटे हैं तो वो क्या विरोध करेंगे? देखिए, जिस प्रकार की सूची भारतीय जनता पार्टी की अभी 41 नामों को लेकर आई है, निश्चित तौर पर सराहनीय सूची है। पार्टी ने जो सर्वे कराया, जिताऊ उम्मीदवार जो थे उनको पार्टी ने टिकट दिया है, निश्चित तौर पर ऐसी सूची का स्वागत योग्य सूची है। हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे केंद्रीय बोर्ड ने जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है। जो बात आप विरोध की कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी विरोध की नीति पर काम नहीं करता।
हम सब मिलकर इन सब को चुनाव जिताएंगे, इस नीति पर भारतीय जनता पार्टी का कल तक काम करेगा। जिसमें 7 सांसद है पहले सूची में, तो आपको क्या लग रहा है कि सीएम का चेहरा कौन होगा? आदरणीय मोदी जी ने अपनी कई सभाओं में इस बता दिया है कि हमारा चेहरा कमल का फूल होगा। जिन सांसदों को चुनाव लड़ाया है, पार्टी ने अपनी नीति के तहत लड़ाया है, सबको शुभकामनाएं देते हुए बहुत अच्छी सूची पार्टी ले जाएगी। क्या माना जाए कि वसुंधरा जी को साइडलाइन किया जा रहा है? पार्टी जिस भी कैंडिडेट को चुनाव लड़ा रही है वो सब पार्टी के कार्यकर्ता है, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। पार्टी का कमल का फूल ही हमारा चुनावी जिम्मेवार है और पार्टी का केंद्रीय बोर्ड जो तय करेगा वो राजस्थान का मुख्यमंत्री। बीजेपी की 200 में से कितनी सीटें आने की उम्मीद है? देखिए 2/3 बहुमत यानी 150 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की निश्चित तौर पर आएगी और हम राजस्थान में कमल खिलाएंगे और 8 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। तो आपको क्या लगता है, जो अशोक गहलोत जी ने इतने चिरंजीवी योजना लेके आए हैं, मोबाइल वितरण कराए हैं, इतने योजनाएं ली हैं, तो आपको क्या लगता है उसका कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए राजस्थान की जनता, राजस्थान का मतदाता बहुत समझदार मतदाता है। आपने एक अल्पकालीन समय में जब आपकी सरकार जाने वाली थी उस समय आप रेवड़ियां बांट रहे हैं, जनता जानती है। अगर आपको जनता से प्रीत थी, जनता से आपको स्नेह था, जनता की आप संवेदनाओं को समझते थे, तो पिछले 5 साल से आपके हाथ में राज था, आप जनता का हित करते। परंतु आपने केवल पिछले 2-3 महीने में योजनाओं को लाकर जनता को प्रलोभन देने का काम किया है। राजस्थान का मतदाता, राजस्थान की जनता बहुत जागरूक है, किसी भी प्रलोभन में आने वाली नहीं है। अभी जो नए जिलों की घोषणा की, उनका क्या होगा? ये जिस प्रकार जिलों की घोषणा की है, अभी जनता को यही समझ नहीं आ रहा कि हम किस जिले के वासी होंगे, हमारा वोटर कार्ड किस जिले का है, हमें सुविधाएं किस जिले में मिलेंगी। इसलिए इन जिलों का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर पा रहा, किसी प्रकार की कोई सुविधा जनता को नहीं मिल रही है। राजस्थान में कमल खिलेगा और दिसंबर में हमारी सरकार। धन्यवाद।